नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बदलने में बड़ी भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व बड़ा इनाम दे सकता है। योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब उनको संसदीय बोर्ड में शामिल कर सकती है, जिसमें भाजपा के शीर्ष 11 नेता होते हैं। संसदीय बोर्ड की पार्टी के अहम फैसले पर मुहर भी लगा सकती है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड में कुल 11 सदस्यीय पैनल। बीजेपी के संसदीय बोर्ड में 4 वैकेंसी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल हैं। सत्ता के गलियारों में सीएम योगी के बीजेपी सदस्य बोर्ड का सदस्य बनाए जाने की चर्चाएं हैं। दरअसल बीजेपी सदस्य बोर्ड में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के निधन के बाद उनके 2 पद और थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने और वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने के बाद से 2 पद अब भी रिक्त हैं। इस तरह बीजेपी संसदीय बोर्ड में कुल 4 पद अभी भी खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को दिल्ली जा सकते हैं, जहां संभावना है कि उन्हें सदस्य बोर्ड का सदस्य बनाने की घोषणा जल्द हो सकती है। बता दें कि भाजपा संसदीय बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 सदस्यों की जल्द ही घोषणा हो सकती है। हालांकि 1 पद पर सीएम योगी के नाम की घोषणा हो सकती है। शेष 3 पद पर भाजपा के कुछ दूसरे वरिष्ठ नेताओं को जगह मिल सकती है, जिन्हें लेकर थोड़ा सा सस्पेंस है। इनमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो शामिल हैं ही। वहीं थावरचंद गहलोत के रिटायर होने के बाद किसी एक दलित नेता को बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल कर सकती है।